अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है? हमने कहां तक कर ली थी कि अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हैं, उसका सबसेट जो होगा वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है उसका सुपरसेट लोगे दैट विल आल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कोई सेट है जिसके अंदर जीरो वेक्टर प्रेजेंट है देन इट विल बी ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और अगर कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसके पास कोई भी जीरो वेक्टर अवेलेबल नहीं। ये हमने चार थ्योरम कर दी। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है उसने ये कहा है कि इफ वन वेक्टर बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन वेक्टर्स। ध्यान से देखना, बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन वेक्टर्स। एन वेक्टर्स कौन से? v1 v2। अगर वी लीनियर कॉम्बिनेशन में है देन हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो सेट होगा ना v1 v2 vn v, ये जो सेट होगा वी हैव टू प्रूव दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। हमें क्या गिवन है? b is the linear combination of these vectors. We have to prove this set is linearly dependent. है ना? तो देखो कि the linear combination of these vectors. So that means there exists a1, a2, an belongs to field. आपको field में से n coefficient ऐसे पक्का मिलेंगे such that b is equal to a1 b1 A2 B2 AN B। Yes or no? Linear combination। Yes ma'am। है ना? तो हमें n vectors ऐसे मिल जाएंगे, n scalars ऐसे मिल जाएंगे such that कि अगर मैं उनकी scale vectors के साथ multiply करके add करूं तो we will get B। अब हमें तो ये दिखाना है कि this set linearly dependent, तो इसमें b1 b2 से लेकर bn तक b भी है इनके अंदर। तो आप क्या करो, इस b को इधर ले जाओ। देखो इस b को इधर ले आना, माइनस इज इक्वल टू, ये हो गया। अच्छे से लिखोगे कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा ना? यस मैम। अब ये बताओ इन वेक्टर्स के इन स्केलर्स के बारे में आपको चाहे कुछ भी नहीं बताओ, कम से कम एक स्केलर तो आपको नॉन जीरो मिल ही गया। यस मैम, इसलिए लिख ये वाला नॉन जीरो है ना, लीनियरली डिपेंडेंट है। हाँ यही लिख। क्या सभी को? यस मैम। अब ना देखो इसके नीचे वाले थ्योरम देखना, सभी इसी की बहन है। v1 v2 vn और n ये हमें लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है देखो। और उसने एक सेट कहा v1 v2 vn, ये सेट है li। अगर v नहीं डालोगे फिर तो ld है, सॉरी v नहीं डाला तो li, v सेट के अंदर है तो ld, then we have to prove कि v is the linear combination of these vectors। इस थ्योरम का उल्टा है ना? Yes ma'am। ये सेट linearly dependent given है, ये वाला सेट linearly independent given है, and we have to prove v is the linear combination of these vectors। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर नीचे वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट है
तो इसका मतलब ये होगा यस मैम सारे जीरो स्केलर्स। और अगर ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक ना एटलीस्ट वन नॉन जीरो विल बी देयर। वन नॉन जीरो स्केलर विल बी देयर। हाँ तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो और एक आर ठीक है सभी जीरो नहीं एटलीस्ट वन नॉन। अब हमें तो यही दिखाना है ना कि बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर। तो अब यार ध्यान रखना अगर आप ए को देखो बी का कोफिशिएंट क्या है ए। अब अभी यस ये जो हमारे पास हमने इक्वल टू जीरो लिया है हमें इतना तो पता है इसके अंदर कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट यस और नो। यस मैम है ना। अब ऊपर वाले को भी ध्यान रखना और इसको भी ध्यान रखना हमें इतना पता है कि इसके अंदर कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। हम एक को लेके चलते हैं एक बार मान लो ए जीरो है ठीक है तो मैम ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ जैसे आपने को जीरो माना तो आपके पास ऊपर वाली ही इक्वेशन आ रही है सभी देखो ध्यान आ रही है ना। यस मैम सभी रिप्लाई करो। यस मैम यस मैम। तो जैसे ही ये वाला हमारी ऊपर वाली इक्वेशन आ गई ऊपर वाली इक्वेशन से सारे कोफिशिएंट वैसे ही जीरो थे और ए मैं जीरो लेके चल रही यहाँ से तो सब भी जीरो हो गए तो फिर तो ये एल आई नहीं बन गया कॉन्ट्रेडिक्शन आ गई ना तो ये एल आई बन गया। अगर हमने इसको जीरो लिया और ये वाले तो वैसे ही जीरो दे रहे हैं इसकी वजह से तो दैट मीन्स ये भी एल आई है बट ऐसा नहीं है ये तो स्टेटमेंट में दे रखा है दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ए की वैल्यू जीरो तो नहीं हो इतना पता चल गया क्योंकि जीरो लेते ही कॉन्ट्राडिक्शन आ जैसे ही ए की वैल्यू नॉन जीरो है हमें क्या मिला जैसे ही ए की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो दैट मींस आप उसको ऐसे तो लिख ही सकते ऐसे लिख दो। देखो ऐसे आप कभी लिख पाए क्यों लिखे जब ए की वैल्यू नॉन जीरो है ठीक है। अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो है ना अब तब भी पता चलेगा कि उससे ही तो डिवाइड कर सकते हैं जो एलिमेंट नॉन जीरो होगा तो हम क्या करेंगे माइनस ए से डिवाइड कर सभी को क्योंकि हमें क्या चाहिए बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एक साइड बी होगा एक साइड सारे होंगे तो हम माइनस ए से डिवाइड भी कर देते हैं यहाँ पर ये हम तभी डिवाइड कर पाए ना व्हेन ए नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि जीरो से डिवाइड करोगे नॉट डिफाइन बनेगा वैसे तो। यस मैम। अब ये बताओ चलो इसको मैंने मान लिया बी वन बी वन इसको मैंने बी टू मान लिया बीएन बीएन इज इक्वल टू बी बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वन बी टू बी एन अवेयर। यस मैम। ये तब आया है जब आप ये वेरीफाई कर सको कि क्या ये भी फील्ड में जाएंगे अगर ए वन भी फील्ड में है और ए भी फील्ड में है चेक करो इनको फील्ड तो गिवन ही नहीं है यहाँ पे कोई बात नहीं ए फील्ड देखो फील्ड कोई भी फील्ड है उसके अंदर ए वन भी है कौन आएगा ए भी है ए हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो भी है तो ये एलिमेंट जाएगा ना फिर तुम्हें। यस मैम। अब सोचो हाँ क्योंकि फील्ड है तो मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू भी ग्रुप है और एडिशन के विद रिस्पेक्ट अगर ए है तो माइनस ए भी मिलेगा माइनस ए मिलेगा और ए वन भी मिल गया तो उनकी डिविजन भी एग्जिस्ट करेगी मल्टीप्लिकेशन वाले रूप से इस तरह से ठीक है। तो ये भी फील्ड में है हर एक एलिमेंट फील्ड में प्रेजेंट है ठीक है। तो हमने दिखा दिया ना दी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वन बी टू बी एन। ये जो काम हमने अभी किया है ये हम कम से कम चार फोरम में आराम से करेंगे
तो सभी आराम से देख लेना क्या करना आपको, जब भी एक वेक्टर को बाकी सबका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना होगा ना, हमेशा यही काम करना। क्या करोगे, उसका कोएफिशिएंट एक बार जीरो मानो, जीरो मानोगे कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, फिर आप नॉन जीरो मानोगे, नॉन जीरो से फिर क्या करना, उसको दूसरी साइड ले जाना, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, ठीक है? यस मैम। जब भी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना हो ना, तब भी यही करना है हमेशा। नेक्स्ट देखो थ्योरम, ग्रुप अनरिंग से तो इजी है इसकी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम अपनी क्या है, अगर अपने पास एक सेट है n वेक्टर्स का, है ना, v1 v2 vn, if this is given linearly dependent, if and only if, क्या कहा है उसने कि v are the linear combination of, yeah, combination of preceding ones, preceding one vector, तो इसका मतलब क्या है? और वैसे भी उसने साथ ये भी कहा है, r की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, यही है, और from n तक, JBR है ना, हमें ये भी दिखाना है कि r की वैल्यू 1 नहीं है, ये देखो अगर हमने r की जगह 1 रख दिया ना, तो 1 नहीं आएगा, v1 नहीं आ सकता था, उसने कहा कि r की वैल्यू strictly 2 से स्टार्ट हो, 2 पे इक्वल टू का साइन ये दिखा, चलो प्रूफ करते। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है फिर तो एलडी वैसे ही हो जाएगा, अभी किया हम, अब एक बार रेसिप्रोकल पार्ट करते हैं पहले तो, इफ वी आर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीवियस वन, मतलब कि देखो v1 v2 और जो r की वैल्यू है वो 2 और n के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये br मिलेगा, br plus 1 और bn, और इससे पहले मिलेगा ये। अब उसने क्या कहा, br is the linear combination of previous one vectors, जो br है is the linear combination of these vectors, जैसे पीछे आ रहे हैं ना उन सभी का linear combination है, कैसे मिलेगा ना आपको, Yes or no? Yes, ma'am. But ये कैसे लिखा आपने? इससे ऊपर वाला स्टेप कैसे किया ये? कौन से वाला? ये जो इसने क्या कहा? देखो इसने क्या कहा? BR is the linear combination of previous one vectors. पहले तो ये देखो कि V1 से लेकर VN तक के vectors अपने पास V1. और इसने ये कहा कि जो R की value है वो 2 और N के बीच में है। आप एग्जांपल से करो, सपोज मैंने आपको दिया n की वैल्यू 10 और आपने r की वैल्यू कुछ भी चूज की जो कि 2 और n के बीच में है, कुछ भी बता दो, 3 4 सपोज आपने 4 ले, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, b1 b2 b3 b4 b5 और ये मैंने b10 तक लिख दिया, ये तो मेरे टोटल ये वाला सेट है ना, एंड दिस इज आवर वी आर, और उसने कहा है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो आपको पता है नेसेसरी सफिशिएंट हो जाएगी, अगर ये प्रूफ है तो ये करना है, और अगर ये प्रूफ है यस है ना, तो अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि नीचे वाला ट्रू है, ऊपर वाला ट्रू करके दिखाना वो, तो मैंने माना वी आर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस वन वेक्टर्स, मतलब कि जो v4 है ना वैसे पीछे वाले जितने भी वेक्टर्स हम का लीनियर कॉम्बिनेशन है, प्रीवियस वन का मतलब यही है प्रीसीडिंग वन का,
तो यहाँ पर बी फोर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वन बी टू एंड बी थ्री, ये कहना चाहता है ये, ठीक है? यस ये भी मैंने यही लिखा है, देखो। हाँ मैम आगे। अब हमें देखो क्या दिखाना है, इसको इधर ले जाओ, ये जीरो हो जाएगा एंड हियर माइनस वन, ऐसे लिख दो, हाँ प्लस माइनस वन और बी आर, ऐसे लिख सकते हो? यस मैम। अच्छा अब ये बताओ ये कैसा है भाई, लिनियरली डिपेंडेंट, ये वाला जो डिपेंडेंट है मैम, लीनियरली डिपेंडेंट, हाँ वेरी गुड, ये जो हमारा सेट आया ना क्योंकि माइनस वन, ये सेट हमारा आ गया लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये किसका सुपर सेट है? यस मैम। तो ये भी कैसा होगा भाई, लीनियरली डिपेंडेंट ही मैम, है ना, कल ही किया था हम। तो अगर ये सेट हमारा एलडी है then this will also linearly depend. तो हमारा फर्स्ट पार्ट एक पार्ट हो गया कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो हमने दिखा दिया कि दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम उल्टा दिखाएंगे, अब हमें क्या दिखाना है कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना तो हमें दिखाना है vr is the linear combination of previous one vectors. अब अगर ये LD है तो पहले तो LD की डेफिनेशन ही लिखो, नॉट ऑल AIs आर जी, अच्छा अब आपको एक तो चीज पता है ना, चलो सारे जीरो नहीं है, कहीं ना कहीं तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, हो सकता है ये मिल सकता है, सपोज ये सारे जीरो आ रहे हैं लास्ट वाला वन मिल गया, सोच सकते हो ऐसे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट आपके पास टू नॉन जीरो होने चाहिए, एक नॉन जीरो से कभी काम नहीं चलता, आप रख के देख, मैंने कहा आपके पास सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, क्योंकि अगर इनके अंदर जीरो वेक्टर प्रेजेंट हुआ फिर तो ये वैसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हमने कल ही किया था, है ना, सॉरी डिपेंडेंट हो जाएगा, अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, ये सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स, तो अब हम देखेंगे अगर आपने ए वन भी जीरो ले लिया, ए टू भी जीरो ले लिया और ए एन माइनस वन भी जीरो ले लिया, और आप ये मान के चल रहे हो कि ए एन मेरा जीरो नहीं है, मान के देखो पहले वाले सारे जीरो, क्या बचा, ये बच गया ना, जब आपने पहले वाले सारे जीरो मान लिए, ए वन इंटू वी एन वो भी जीरो हो जाएगा, ए टू इंटू वी टू वो भी जीरो हो जाएगा, ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन वो भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ आपने ए एन को नॉन जीरो मान लिया, बी एन भी अपना नॉन जीरो है, क्या इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ सकती है? नो मैम। तो इसलिए आपके पास कभी भी ना एक सिंगल वो जो कॉन्स्टेंट होता है ना वो नॉन जीरो नहीं, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके पास एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर प्रेजेंट हो, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो तब भी आएगी, अगर ये नॉन जीरो ले रहे हो तो इसको तो जीरो ही होना पड़ेगा ना, तो अगर जीरो वेक्टर प्रेजेंट है फिर तो हो सकता है, बट अगर सारे ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है? तो एक बार थ्योरम को पढ़े, एक बार लाइन बोलना ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल द वेक्टर्स आर नॉन जीरो, देखना सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, यस मैम, एक बार बोलना स्टेटमेंट, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, हाँ ठीक है, तो उसने खुद ही कहा कि सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, अब समझ गए ना, इसलिए आर की वैल्यू वन नहीं है, देखो अभी बताऊंगी मैं आर की वैल्यू वन, ये बात क्लियर हो गई कि एक कॉन्स्टेंट से काम नहीं चलेगा,
एक नॉन जीरो बाकियों में तो चल रहा था कहाँ पे बाकी थ्योरम में हम एटलीस्ट वन के लिए लेके चलो थे माइनस वन के लिए किया था तब हमने जब हम वहां पर हाँ वहां पर वैसे हमारे पास ऐसे तो नहीं दे रखे होते कि सारे नॉन जीरो ऐसा तो कुछ है ना तो अगर आपके पास सेट ऐसा दे दे कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स तो हमें हमेशा कम से कम दो कांस्टेंट मिले और अगर बट वहां पे जीरो का मेंशन भी तो नहीं कर रखा था जीरो वेक्टर भी तो नहीं मेंशन कर रखा था वहां पे कोई बात नहीं फिर जीरो हो भी तो सकता नहीं भी हो सकता तो वन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता बट यहाँ पर तो हमें पक्का पता है ना यहाँ पर तो वन नहीं होगा ओके है ना तो वहां पे हम मना भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कर सकते दोनों चीज हो सकती तो हम यहाँ पर तो पक्का मना कर सकते हैं ना कि यहाँ पर तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट नहीं होगा इससे ज्यादा ही होना चाहिए इतना तो पता चल रहा है यस मैम तो अब ध्यान से देखना अब हमने एक काम करने वाले हैं मैं ऐसा सोच लूंगी कि जो मेरे पास जीरो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना देखो ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ए एन माइनस वन और ए एन इनमें हमारे पास ऐसा हो सकता है कि कुछ जीरो आ रहे हैं बिल्कुल लास्ट में और इससे पहले वाले नॉन जीरो आ रहे हैं हमने ऐसे मान लिया मैंने इन वेक्टर्स को आगे पीछे करके अरेंज कर दिया अभी तो मान लो ऐसे करके शफल करेंगे बी एन है अब मैंने इनको क्या किया आगे पीछे कर दिया आगे पीछे सिर्फ इसलिए कर रही हूँ मैं ताकि जिनको कोफिशिएंट जीरो आ रहा है ना उनको पीछे शिफ्ट कर सोच लो देखो ऐसे उससे क्या होगा हाँ भी बताती हूँ जीरो इंटू सपोज ए वन भी जीरो आ रहा है ये भी जीरो आया बस ये दो ही जीरो है बाकी सारे नॉन जीरो है सपोज तो मैंने अभी क्या किया इस वी वन को तो मैं लास्ट मिलेगी वी टू को भी लास्ट मिलेगी और बाकी सारे ठीक है ऐसे तो जो वी थ्री वाली पोजिशन पे था वो पहले लिख दिया फिर वी फोर फिर वी फाइव ऐसे किया मैंने और वी एन फिर वी वन और फिर वी अभी जो वेक्टर्स है ना वो मैंने ऐसे सेट कर इससे ये होगा कि अपने जो भी जीरो वेक्टर्स जीरो कोफिशिएंट है वो सारे पीछे की साइड रहे सारे पीछे की साइड रखे क्यों है हमने क्योंकि थ्योरम क्या कह रही है कि हमें dr इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ उससे पिछले वालों में दिखाना है वो किस पे डील करवाएगा इससे ना बैक वालों पे डील करवाएगा तो दैट मीन्स इससे आगे वाले जीरो होने चाहिए ठीक है अभी देखना तो अगर आपने ऐसे शिफ्ट नहीं किया ना तो आप कम से कम एक आर तो ढूंढ के दिखाना आपको ऐसा आर देखना आपको आर इज द नंबर फ्रॉम देयर ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो क्या किया आपने एक ऐसा नंबर देखा इन वेक्टर्स में जिसके बाद वाले सारे कोफिशिएंट जीरो आ रहे हैं ठीक है आपने क्या किया ऐसे ये अपने पास सेट बना हुआ है ये आर कैसे ढूंढना है हमने आर ऐसे पिकअप करेंगे कि इसके बाद वाले जितने भी कोफिशिएंट्स आएंगे ना ए आर प्लस वन ए आर प्लस टू ए आर ए एन वो सारे जीरो होने चाहिए हो सकता है ऐसा बोलो यस मैम अब ये तो पता चल ही गया कि कम से कम दो तो स्केलर्स हैं अपने पास कम से कम दो है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ये तो मिलेगा ही ना बिल्कुल देखो आर की वैल्यू वन तो नहीं ले सकते आप अगर आपने आर की वैल्यू वन ली इसका मतलब क्या हुआ आप ये कह रहे हो कि V1 ऐसा वेक्टर है जिसके बाद वाले सारे जीरो हैं आप तो ये कहना चाहते हो मैंने R ऐसा एलिमेंट लिया R एक ऐसा नंबर देखो ऐसा नंबर कि उससे बाद वाले जितने भी कोफिशिएंट्स हैं दे शुड बी इक्वल टू जीरो अगर मैं R की वैल्यू 1 ले लूं तो दैट मींस V के अलावा बाकी जितने कोफिशिएंट्स है ना
वो सारे जीरो हैं, मतलब ए टू बी जीरो, ए आर वी आर वाली कंडीशन जीरो बन गई, और ये भी जीरो है, सारे जीरो है। अगर ये सारे जीरो है, सपोज ये नॉन जीरो है, एक अकेले से तो काम नहीं चल रहा था अपना, नहीं, मैंने अभी बताया आपको, एटलीस्ट टू तो नॉन जीरो हो, तो इसलिए हम कम से कम अपनी आर की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर सकते, देखो है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट आर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये भी कि टू से बाद वाले सारे जीरो ये भी चल जाएगा, चलो ए थ्री ए फोर ए फाइव ए एन तक पीछे वाले सारे जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दो दो नॉन जीरो मिले, फिर भी बन जाएगा ना डिपेंडेंट। यस और नो? सिमिलरली हो सकता है दो से ज्यादा भी मिल जाए, अगर दो से ज्यादा मिल रहे हैं तो आर की वैल्यू और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ आया आर क्या है? आर की वैल्यू टू तो होनी ही चाहिए, हाँ एटलीस्ट, है ना, मन से नहीं होगा, मन से पता चल गया ना आपको क्या दिक्कत आएगी, it will become linearly independent, but the function, oh sorry, the set is given as dependent. तो अब हम देखो, हमें ये तो पता चल गया कि ये भी ठीक कह रहा है, ये हमने वेरीफाई करके देख लिया कि r की वैल्यू वन नहीं, अब मुझे ये दिखाना है कि r is the linear combination previous one, तो देखो अभी मैंने जो r है वो कैसा माना कि उससे ना पीछे वाले जो उसके बाद वाले वो सारे जीरो, तो वहां तक सारे नॉन जीरो आ रहे, तो ए वन बी वन ए टू बी टू ए आर बी आर ए आर प्लस वन बी आर प्लस ए एन बी, अगर ये आप जीरो लेके चल रहे हो तो दीज आर जीरो एंड दीज आर नॉन जीरो, ए वन ए टू ए आर तक तो जीरो आ रहे हैं, उसके बाद सारे जीरो, मैंने इनको ऐसे अरेंज कर रखा, प्लस में भी लिख सकते हो ना आप आगे पीछे प्लस, और सेट में भी आप आगे पीछे तो लिख ही सकते हो, तो मैंने बस ऐसे अरेंज किया कि जो जीरो वाले थे सभी को पीछे रखो, तो ये जो सारे है ना आर के बाद वाले सारे जीरो, ठीक है, और ये सारे नो, मैंने ऐसे अरेंज किया। अब आप ए आर प्लस वन इन सभी को जीरो पुट करोगे तो आपको पीछे वाले तो सारे जीरो क्यों दे, ये बच गया। अब फिर आप वही काम करोगे जो मैंने आपको बताया है ना, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पर ये बच जाएगा ए आर माइनस वन बी आर माइनस वन, वैसे तो ऐसे है ना पूरा ये है, अब क्या करना इसको उधर ले जाओ, ये डिवाइड कर देंगे माइनस ए ए आर से, बिल्कुल क्योंकि नॉन जीरो है ना, तभी तो डिवाइड कर पाया, जीरो होता तो इनफिनिट बन जाता, हाँ इनको बी वन बी टू बी थ्री बी आर माइनस वन, दिस इज बी वन बी टू आर माइनस, और ये आपको मिल गई, तो दैट मींस देखो वी आर इज the linear combination of its previous vector, ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को थ्योरम? मैम इसका कन्वर्स जो पार्ट तो सही आ गया, और जो मैम इसकी स्टेटमेंट है यानी कि जो नेसेसरी वाली वो समझ में नहीं आई, यही तो नेसेसरी तो पहले अभी करवाई है मैंने बुक में, उन्होंने सफिशिएंट मैम ये तो उस, ये तो समझ में आया, बट जो ये स्टेटमेंट की गिवन है ना, स्टेटमेंट नहीं समझ आई, थ्योरम नहीं समझ आई कि स्टेटमेंट क्या है, यस मैम देखो हाँ सभी देखना, मेन तो बात यही है कि स्टेटमेंट ही क्लियर होना चाहिए तभी आप प्रूफ करोगे, ये हमारे पास एक सेट दे रखा है विच इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है डिपेंडेंट दे दिया, अब उसने क्या कहा कि इसके अंदर है ना कोई फैक्टर ऐसा मिलेगा
जो कि इससे पिछले वाले जितने भी वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये कहा है इसने कि आपको एक वेक्टर ऐसा ढूंढ के दिखाना है कि जो क्या हो उससे पीछे वाले जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं ना सेट में उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर आपको ऐसा मिल गया देन द सेट इज नोन एज डिपेंडेंट, अदरवाइज नो। अगर ये सेट है V1, V2, मतलब 10 तक लिया जैसे हमने ले लिया, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना तो आपको क्या दिखाना है, इसमें से कोई एक वेक्टर ऐसा दिखाओ, सपोज मैंने V4 लिया, एक ऐसा वेक्टर दिखाना है जो कि इससे पिछले वाले जितने भी वेक्टर्स है ना उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसे पिछले वाले कौन कौन से आएंगे, V1, V2, V3, ठीक है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दो। उसने कहा है वो आ जाए, अगर इस तरह से मिल जाए तो डिपेंडेंट है, अगर इस तरह से नहीं मिल रहा कोई भी वेक्टर कम से कम एक मिल जाए। उसने कहा है देयर एग्जिस्ट आर, है ना, आपके पास स्टेटमेंट है आप देख सकते हो, उसने क्या कहा है एक आर मिल जाए इनमें से, इसके बीच में से कोई भी एक आर दिखा दो, मतलब कि एक ऐसा नंबर एक वेक्टर दिखा दो जो कि इनके बीच में है एंड विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस। V4 नहीं मिला कोई बात नहीं, अगर आपको V9 मिल रहा और भी अच्छी बात, कोई भी मिला दो, एक मिलना चाहिए बस। अगर आपको ऐसा मिल रहा है ना तो भी ठीक है। उसने ये कहा है इनके बीच से एक वेक्टर ऐसा दिखा दो मुझे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यस मैम, प्रीसीडिंग वंस का मतलब यही है कि उसके पिछले वाले जितने हैं ना उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके मैम, एग्जाम्पल ट्राई किए थे सभी ने? यस मैम, यस मैम। तो किस एग्जाम्पल में डाउट है? एक तो एग्जाम्पल नंबर 3 का शायद आंसर गलत है। ज्योति तुमने ट्राई किया था ना 3rd? तो मेरा हो गया था, नहीं हुआ मेरा, नहीं मेरा भी हो गया, बट इसमें शायद आई गेस ये एरर है, यहाँ पे +2D आना चाहिए एंड में, जो हमारा ये इसका वेक्टर स्पेस का इधर रखा है ना कॉम्बिनेशन, हाँ सॉरी मैट्रिक्स का जो कॉम्बिनेशन, इसने फाइनल रिजल्ट दे रखा है A=2B-C +2D आना चाहिए आई गेस यहाँ पे, इसने बुक में नेगेटिव दे रखा है। हाँ टू वही आएगा, प्लस में आएगा ना, हाँ क्योंकि जो A3 है वो 2 है और +2 है यहाँ पे -B1 है ना। हाँ मेरे को भी 5 नहीं आया। और मुझे एग्जांपल नंबर 4 मैम। हाँ जी मैम, एग्जांपल नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ है, वो कर पूछ रहा है, एक मिनट लिखती हूँ। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, बट इसको एक्सप्रेस करना है, बाद में ये यूं कह रहा है कि डू नॉट सेटिस्फाई, इट इज नॉट, इट कांट बी एक्सप्रेस। भाई जब तू बोल ही रहा है कि इसको एक्सप्रेस करो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नहीं है, मेरे दिमाग में तो बाद में आया कि सोल्यूशन देखने के बाद, और जब मैं सोल्यूशन नहीं देखा तो उससे पहले तो मैं इसको वैसे ही करे जा रही थी और मैंने कर भी दिया था एक्सप्रेस इसको, हो गया था। हाँ रुको फिर मैं मैट्रिक चीज ले। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। -3 पूजा पता नहीं कहाँ चली गई। मैम
मैम सिर्फ 1.5 मिनट मिनट रह रही है. हाँ कोई नहीं, करते हैं अभी. देखो दोबारा ज्वाइन करना है. नहीं जल्दी से ये देखो. मल्टीप्लाई करने के अंदर यही है ना, अगर हमें ए बी सी की ऐसी वैल्यू मिल गई जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा. करो yes, ए की मल्टीप्लाई बी की से करोगे, सी की से करोगे, उसी yes, और यहाँ पे माइनस 3a प्लस 3c, 2a प्लस 2b एंड हियर इज b प्लस 5 मिल रहा है. yes, ठीक है ना. हाँ चलो इनको कंपेयर करो. 2c की वैल्यू 2 आ गई तो c की वैल्यू तो आ गई 1. यहाँ से देखो माइनस 3a प्लस 3c 0 है तो a माइनस c 0, a इज इक्वल टू c तो a की वैल्यू भी 1 आ गई है ना. यहाँ पर रखो अब 4 is equal to 2 into a plus b. तो 2 is equal to a plus b. a की वैल्यू 1 है